तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल में। मैं दोस्तों तो आज का हमारा नया गेम है पोकेमोन वर्ल्ड स्टेडियम। दोस्तों चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये गेम कैसा लगा। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस गेम में हमें कुछ मेगा एवोल्यूशंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, जी मूव भी हो गए और अपने कुछ जेम्स वगैरह होते हैं जो हमारे पावर्स को मतलब बढ़ाने में मदद करते हैं। मे बी लाइक अगर हम किसी जेम को होल्ड करेंगे ड्रैगन टाइप जेम को तो ड्रैगन मूव्स को वो मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन्स भी देखने वाले हैं, हमें अलग अलग जनरेशन के पोकेमॉन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी अभी हम गेम के अंदर जाके पता लगाएंगे भाई अभी इस गेम की स्टोरी वगैरह का क्या सीन होने वाला है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ खास इस पर मतलब रिसर्च वगैरह नहीं की है कि स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है, अभी देखना पड़ेगा हमें। तो अगर आप चैनल पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि हमें 10K करवाने हैं इसी साल के अंदर। ओके यहाँ पे हमारी जो जर्नी वो शुरू हो चुकी हुई है, और कहाँ पे होंगे फ़िलहाल हम? ओके यहाँ पर प्रोफेसर ओक है नीचे की साइड। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अब ये मत कहना यार ये गेम चलती भी नहीं है। अरे यार क्या सीन हो गया इस गेम का? मैं भाई चल पड़ना। ओके भाई लगता है गेम नहीं ख़राब नहीं है, चल पड़े भाई। शुक्र है यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि हमें सामान चाहिए हमारे अपने पीसी के अंदर भी है और हमारे बैग के अंदर भी है। ठीक है तो हम पोकेमॉन सेंटर के भी अंदर हैं और अभी बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है यार अब जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था उनके विनर्स के नाम बता देते हैं। दोस्तों पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो दोस्तों ये है ओशावॉट। तो सबसे पहले आंसर दिया है यश भाई ने, फिर दिया RDX गेमिंग ने, फिर दिया पोकी बॉय ने, फिर दिया फन विद वर्ल्ड ने, उसके बाद दिया कौदम भाई। दोस्तों ये वो डी पोकमिन आर्ट फैन थे जिन्हें जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकमिन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए देखते हैं हमारे बैग के अंदर क्या सीन होने वाला है। पहले हम पोकेमॉन देखते हैं। अरे भाई ईवी है, आर्टिक्यूनो है, और यहाँ पे हमारे पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन होर है, ज़ेपडोस, मोल्ट्रस। ओके ये आर्टिक्यूनो डिफरेंट लग रहा है, ये फिजिक्स और फ्लाइंग टाइप में आता है। ठीक है भाई तो नीचे की साइड जो हमें नया पोकेमॉन दिया वो भी देख लेते हैं। ओके तो ये अपना ईवी है और इसको इन्होंने कुछ होल्ड करा कर रखा हो मेरे हिसाब से, और ये एक मिनट ये ज़ेपडोस की क्या हालत कर रखी है इसके बाकी पंख आ गए भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने इसको पकड़े सारे पंख निकाल दिए इसके और अलग से पेंट कर दिया। ओ भाई मोल्ट्रस का की हालत की हुई, मोल्ट्रस तो यार बड़ी वो लग रही है यार, मस्त लग रही है देखने में। ओके यार हम अपने पीसी की साइड देखते हैं भाई, पीसी के अंदर कहा था कुछ काम की चीज़ें मिलने वाली हैं, तो मेरे हिसाब से पहले हम अपने नाम में देख लेते हैं यहाँ पे पीसी हमारा पर्सनल होता है। नहीं चलो पहले हम अपने नॉर्मल देखते हैं यहाँ पे हमें एक मिनट भाई, ओ यार सारे पोकेमॉन इवॉल्व है यहाँ पे। ओके रेटिटार्ड, ओके डिगलेट भी है यहाँ पे, डक्टीरियो भी है, पोलीवैक, डोड्रियो, ओ भाई हिटमोनी, हिटमोन चैन, स्टायू, एरोडैक्टाइल, ज़ेपडोस, आर्टिक्यूनो, मोल्ट्रस, म्यूटू भी है, म्यू भी है। अरे भाई के यहाँ पे देखते हैं क्या है फिर। ओहो हो टेरानिटार भाई साहब, सिलकून, आगे की साइड देखते हैं। अरे यार सारे रीजन्स के पोकेमोन है यहाँ पे। ओके देखते हैं कौन कौन से रीजन के पोकेमॉन, हमें लेजेंडरी पोकेमॉन भी दिया है हम लोगों को, दे सेलमेंस भी है यहाँ पे। ओके वो रेगी आइस, रेगी रॉक, रेगी स्टील, कोग्रे ग्रोडॉन, रेक्वाजा, लैटियस लॉटियस, ओ भाई साहब इन्फोनैप। ओके भाई यार ये हुई ना बात, और सारे 100 लेवल से ऊपर हैं। ओ यार रेगी रॉक, रेगी स्टील भी बढ़िया है यार। ओके रोटॉम भी है वर्जन 6 वर्जन 5। ओके यहाँ पे वो भी है डियालकिया पालकिया भी है, जीराटीना भी है, डार्क राय भी है, और आरसीएस भी है भाई साहब, आरसीएस भी है यहाँ पे। ओके इस साइड को देखते हैं कौन कौन से पोकेमोन है। ओ मैन यार इतनी कलेक्शन है भाई, मैं बंदा जो सिर्फ 6 पोकेमोन रखता है अपने साथ और कोई लेजेंडरी पोकेमोन नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा चॉइसिस है हमारे पास अभी। तो यार अब कौन यार क्यूरम, जैक्रोम, जैक्रैम, वो भाई उनका वो भी फ्यूजन भी है उनका यार, ग्रेनिंजा भी है यहाँ पे। ओके और कौन कौन से है भाई, अरे यार इनके पास ये भी है यार, ज़ेपग्रेड भी है। ओ मैन यार अब कौन से पोकेमॉन लेके जाएंगे हम लोग यार इनके पास, मतलब अपने क्या वो राइट्स के मैं नाम भूल गया यार उसको, ग्रेनिंजा ये पक्का ऐश वाला है जो केओ करने पे अपना मेगा इवॉल्व हो जाता है, हाँ ट्रांसफॉर्म आफ्टर अ केओ मुझे लगा ही था। चलो इसको तो रख सकते हैं टीम में चाहे तो।
आया पार्टी फुल है ना हमारी को ज़रा। अब ये पोकमोन ड्रॉप कर देते हैं हम लोग, विड्रॉ करते हैं उसके बाद। चलो डिपॉजिट कर दे, ये हमें नहीं चाहिए मुर्गे वाला। जैक्रोम भाई इसकी तो देख के लगता है, सॉरी जैपडोस किसकी तो बहुत बुरी हालत है भाई। ओके मोल्ट्रस ओपी लग रहा है, पर मोल्ट्रस यूज़ करने का मन नहीं, ना आर्टिक्यूनो नो ना इसको, ना ईवी को भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। पिकाचू लास्ट पोकेमोन है, हमें मतलब नहीं कर सकते हैं डिपॉजिट, पर हाँ मैं ग्रेनिंजा को रखना चाहता हूँ अपनी टीम में। देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब बनता है भाई साहब। यहाँ पे देखो सन एंड मून के लेजेंडरी पोकेमोन भी पड़े हैं। ओके समरी देखते हैं इसकी क्या सीन है। ये फिजिक्स और सील टाइप में है, और इसको अपना फायर टाइप मूव भी आते हैं। चलो ये वाला देखते हैं, ये अपना कौन सा है, ये फिजिक्स और घोस्ट टाइप में है। ओके फैंटम फोर्स भी बढ़िया मूव है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या सीन आगे की तरफ। अरे यार इतने सारे पोकेमोन भाई यार, इनके पास ये भी इन्होंने हमें दिया हुआ है। ओ यार ये हुई ना बात। चलो इसकी समरी देखते हैं, कोई अच्छा मूव वगैरह आता है। मूव्स अच्छे नहीं इनके यार ज़्यादा कुछ खास, मूव्स वगैरह का पंगा है। अरे मैंने सब गलती से विड्रॉ कर लिया, इसको डिपॉजिट कर देते हैं। यार इतने सारे चॉइसेस हैं, तो यार कौन कौन सा पोकेमोन हम रखेंगे अपने पास, तुम लोग मुझे कुछ सजेशन वगैरह देना अगर मुझे ना समझ आए तो। देखो बाकी यहाँ पे मेगा इवोल्यूशन का कोई सीन मुझे तो लग नहीं रहा है, शायद होना चाहिए वैसे, बाकी मुझे इतने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है इस गेम के बारे में। पर हाँ यार फर्स्ट गेम मुझे ऐसी लग रही है जो मैंने देखी है, जिसमें सारे पोकेमोन मतलब पीसी के अंदर है भाई साहब। पिकाचू भी इनके पास अलग अलग तरह के, सर्फ बोर्ड वाला पिकाचू था और एक बलून वाला, मेरे हिसाब से ये सर्फ बोर्ड वाला, ये बलून वाला पिकाचू है। आगे देखते हैं भाई, फिर अलग अलग पिकाचू आने वाला है यहाँ पे। सिंपल पिकाचू ये भाई, बॉक्सिंग वाला, स्कर्ट वाला, क्या यार इतने सारे। अरे ऐश के सारे मतलब पिकाचू यहाँ पे हैं जो कैप पहन सकते हैं यार, ये हुई ना बात। आगे की साइड देखते हैं, अरे भाई भाई बस करो, कितने पोकेमोन हैं इनके पास यार, मेरा तो पूरा पीसी मतलब भरा हुआ है नहीं पोकेमोन्स के साथ। अरे यार ये खोर हमें यही मिला हुआ एक्स्ट्रा। ओके यहाँ पे ये भी पोकेमोन हैं, इनके विकसित रूप भी यहीं पे हैं। तो भाई यहाँ पे मतलब हमें चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं पोकेमोन की, और मेरे हिसाब से हमें खुद ही चूज़ करना पड़ेगा कौन सा पोकेमोन चाहिए, अब बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओके चलो देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से हमें चूज़ कर लेना चाहिए कौन सा पोकेमोन चाहिए। समरी वगैरह देखते चलते हैं, और जो पोकेमोन अच्छा लगा, मून ब्लास्ट, क्लोज कॉम्बैक्ट, यार मूव्स अच्छे नहीं हैं इसके, इसके देखते हैं। फाइटिंग और स्टील टाइप है, सेम मूव हैं इसके पास भी। ओके तो हाँ चलो यार फिर जो जो पोकेमोन है टीम में हम ऐड कर सकते हैं। ये बॉक्सेस खाली हैं, चलो मतलब इतने पोकेमोन भी ठीक है भाई। इतने पोकेमोन किसके पास होंगे यार, हर रीजन का कोई ना कोई पोकेमोन हमारे पास है ही है। ओ ये इन्होंने पूरी वसूली की है पोकेमोन के, जो ये पीसी बॉक्सेस होते हैं, मतलब इतनी दूर तक आया भी नहीं था पीसी बॉक्सेस में। ओके तो कौन सा पोकेमोन चूज़ करें, इसको रख लेते हैं। चलो जैप अपग्रेड, ये ग्राउंड टाइप में होता है, ड्रैगन और ग्राउंड टाइप में है, ठीक है इसको रख लेते हैं, हम इसको लेके चलते हैं। आगे देखते हैं भाई, सारे 100 लेवल के मतलब सभी पोकेमोन 100 के से लड़ने के लिए आने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ मैं चॉइस वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है, तो मैं अभी मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि हम इसको पक्का लेके जाएंगे, इसको नहीं, क्योंकि हमें सारे पोकेमोन को मतलब बारी बारी चांस देना चाहिए। मैं किसको लेके जाऊँ यार, ये वाला जैक्रम देख लेते हैं, ये तो यार इलेक्ट्रिक टाइप में होना चाहिए था, पर ये आइस टाइप में ही चल रहा है। चलो आगे बढ़ के देख लेते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं हमारे पास। ओ आरसीएस रख लेते हैं भाई, आरसीएस कहाँ चला गया, ये डार्क राय रख लेते हैं और एक आरसीएस रख लेते हैं। चलो आरसीएस को रख के देखते हैं इसको क्या आता है। ओके इसको जजमेंट आती है भाई, आरसीएस मतलब पोकेमोन का गॉड है यार ये तो, मतलब सबको, मैंने कभी आरसीएस किसी गेम में यूज़ नहीं किया, ये तो यार वन हिट करना चाहिए किसी भी पोकेमोन को तो मज़ा आ जाए भाई, फिर मतलब है कि तुम गॉड्स हो, पोकेमोन के गॉड हो। नहीं तो यार अगर अब इस पे भी मतलब अटैक करने पे नॉट वेरी इफेक्टिव लगे ना, तो मतलब गॉड्स का पोकेमोन नहीं है भाई, कहते रहते हैं बस, क्योंकि ये तो गॉड है तो किसी पोकेमोन को आराम से पेल सकता है। चलो देखते हैं कौन सा पोकेमोन रखे अपनी टीम में। मेरे हिसाब से मुझे रखना चाहिए अपना कोग्रे या ग्रोडॉन में से एक रखना चाहिए, वैसे वो भी रख सकते हैं कोग्रे या ग्रोडॉन, ये भी आइडिया अच्छा है। चलो मैं रखता हूँ अपने साथ ग्रोडॉन को। टीम पूरी हो जाएगी क्या? हाँ चलो टीम पूरी हो चुकी है। चलो टेस्ट करते हैं पोकेमोन्स को हम जाकर, जहाँ पे बैटल वगैरह का कहाँ पे सीन बनता होगा, यहाँ पे होगा बैटल वगैरह। ओके यहाँ पे कोई जगह है, इनसे पहले बात कर लेते हैं। चलो ये हमारे पोकेमोन्स को मूव्स वगैरह सिखा सकते हैं मशरूम के बदले में। ओके अगर हमें बड़ा मशरूम दिया तो छोटा मशरूम, इनको मशरूम की स्मेल आई है तो हमारे किसी पोकेमोन को सिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे आरसीएस को सिखा दो कोई मूव सिखा सकते हो तो। सॉरी पर क्यों भाई, ये भी पोकेमोन ही तो है, भले ही गॉड्स ऑफ पोकेमोन है फिर भी सिखाना चाहिए। चलो पिकाचू को सिखा दो कोई सीख सकता है तो। ओके तो यहाँ पे चॉइसेस हैं, मेरा मन नहीं करा सिखाने का, बैक कर दें यार,
कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ये तो गलत बात है। अगर किसी पोकेमोन को ना सिखाना हो तो चलो मैं थंडर पंच सिखा देते हैं हम लोग। मतलब हमें अगर यहाँ पे आना है तो मतलब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं मतलब एक बार अगर टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर देखूँगा, सिर्फ ट्रायल के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ ट्रायल करना है और देखना भाई क्या हिसाब किताब बनता है टूर्नामेंट के अंदर हमारा। मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, वो रेकमेंड करो यार हमें ना नए नए अटैक सिखाने हैं जिससे हम पोकेमोन्स को टिकाए रखें। अच्छा डिफेंस वाले पोकेमोन चाहिए। वो इतने सारे पैसे भाई, इतने पैसे तो मैंने देखे ही नहीं। ओके मैं सब कुछ खरीद लूँगा भाई। मैं ये भी खरीदता हूँ, फुल स्टोर भी खरीदता हूँ 99। ओके ये हुई ना बात। पीपी मैक्स भी खरीद लेते हैं, ये पीपी मैक्स 99 खरीद लेते हैं। चलो नीचे की साइड देखते हैं भाई, लगता है कोई काम की चीज़ और मिल जाए। नहीं भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके यहाँ पे कोई काम की एबिलिटी पिल्स सारे खरीद लेते हैं। 44 लगता है हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। अभी बैंक खाली हो गया हमारा भाई, सारा अकाउंट खाली, टाटा बाय बाय। मैंने पहली वीडियो में 600 रुपया छोड़ दिया सिर्फ। अरे यार ओके बिग मशरूम की स्मेल आ रही है। नहीं हमें नहीं सिखाना अभी कोई मूव वगैरह, मैं सिर्फ ट्रायल के लिए यहाँ पे आया हूँ। ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, मतलब यहाँ ऊपर की साइड को होना चाहिए बैटल वगैरह हमारा कोई। ओके तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे शायद कोई बैटल का सीन हो जाए अपना। हाँ यहाँ पे एक बंदा है बैटल के लिए, चलो इससे हम बात करते हैं। पहला बैटल हमारा बिगिन हो चुका होगा, देखते हैं जीतते हैं कि हारते हैं, क्या सीन है। क्योंकि मैं रैंडम पोकेमोन लेके आया हूँ, मतलब कहने में रैंडम लेजेंडरी पोकेमोन है, पर मेरे हिसाब से देखते हैं क्या सीन बनता है यहाँ पे। पहला पोकेमोन है इसका मैग्नीज़ोन, एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन। ओके इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप में आता है ना ये, तो इनमें ये अटैक तो काम करेंगे नहीं मेरे हिसाब से। इसके खिलाफ ग्रोडॉन जैक्रोम भी, इसे अपना जैप अपग्रेड भी बढ़िया है, पता है क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड टाइप में है, ग्राउंड टाइप मूव आता कोई उसको? मेरे हिसाब से कोई ग्राउंड टाइप मूव इसको आता है, इसको पॉइजन आता था और 2-3 ड्रैगन टाइप मूव्स आते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया, बैन बच गई। अब तो टाइप नॉर्मल हो गया, चेंज इनटू नॉर्मल मर गया। अब तो यार कोई भी अलग टाइप मूव करेगा हम पूरे चले जाएंगे, ये गलत सीन हो गया यहाँ पे भाई साहब। हम लोग बड़ा बुरी तरह जाने वाले हैं क्योंकि हमारी हेल्थ 500, इतनी ज़्यादा हेल्थ है हमारी। ओह मैन लगता है यह अटैक काम नहीं करने वाले हैं, तो चलो इसको देखते हैं भाई। पॉइजन उसको करना था, मुझे नहीं करना खुद को। अटैक डिफेंस बढ़ा तो क्या फ़ायदा इस मूव का मुझे बताओ। थंडर बोल्ट गलत ही होगा यहाँ पे तो भाई। ओके ऐसा करते हैं पोकेमोन चेंज करके देख लेते हैं, शायद कुछ सीन बने। ओ पैरालाइज होकर हमारे पास सामान तो पड़ा है रिवाइव करने के लिए, पर मुझे लगता है हमें पोकेमोन चेंज कर लेना चाहिए यहाँ पे। और यार यहाँ पे बोला था कि हमें जी मूव वगैरह मिलने थे, महंगा एवोल्यूशन होने थे, तो वो कहाँ पे हैं? ठीक है मैं ग्रोडॉन को यूज़ करता हूँ, ये इस पर इफेक्टिव होने वाला है मूव फायर टाइप में, क्योंकि ये स्टील टाइप पोकेमोन है, ऑब्वियस है। बस इसका AI ज़्यादा समझदार हो कि पोकेमोन चेंज ना कर ले, क्योंकि नॉर्मली आजकल के AI मतलब जो भी होते हैं बड़े समझदार होते हैं यार। ट्राई अटैक किया इसने, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस पैरालाइज या उससे आइस मत हो जाना कुछ फ्रोजन वगैरह। ओ शुगर ना कुछ नहीं हुआ। ओके तो अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सॉरी मैंने टैग गलत ले लिया था, रुको जरा। हाँ ये रहा अपना फ्लेम ब्लास्ट, नहीं चलो इसको ये मारते हैं इसको। लो भाई इसने पोकेमोन ही चेंज कर लिया, मतलब इसका पोकेमोन है आर्कनाइन। वाओ इस पे तो यार कोई भी मूव इफेक्टिव नहीं होने वाला, मेरी गलती पता है क्या है? मैंने पता नहीं लेजेंडरी पोकेमोन पे इतना सहारा क्यों ले रहा हूँ, क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूँ कि मुझे लेजेंडरी पोकेमोन लेके आने चाहिए, यानी कि मुझे पता लेजेंडरी पोकेमोन से कोई अच्छे मूव नहीं आते होते हैं, हर बात का यही होता है। तो ऐसा करते हैं फिर एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इस गेम में कि अगर मैंने ये मतलब मैच जीता तो क्या मुझे यही पोकेमोन्स को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं अपने पोकेमोन्स को जाके PC में चेंज करता रहूँगा? अगर वो चेंज होते रहे फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं किसी बंदे को डिफ़ीट करने के लिए, और जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो तो भाई फिर मज़ा ही आ जाएगा उन कॉम्बिनेशन का। पर अगर हमें एक ही पोकेमोन को लेके जाना पड़ेगा आगे तक, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं तब लेजेंडरी पोकेमोन्स को रेकमेंड नहीं कर सकता लेके जाने, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमोन मतलब है बढ़िया है पर प्लस उनके अटैक बहुत है भाई, याद उनको आते नहीं है भाई, देखा तुम लोगों ने। यहाँ पर ग्रीनिंजा पूरा जा चुका हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि डार्क रे लेते हैं, उसको डार्क पल्स आता है वो आर्कनाइन को पूरा ख़त्म कर देगा। जैसे भी हमारा ट्रायल बैटल है, ज़्यादा कुछ खास मैं कर नहीं रहा हूँ इसमें, ना मैं ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, बस ट्रायल ले रहा हूँ कि मतलब क्या सीन है इस गेम का, कितनी हद तक ये गेम जा सकती है अगर पेलना हो हम लोगों को। तो मैं डार्क पल्स करूँगा यहाँ पे, भले इफेक्टिव मूव हो या ना हो, पर डार्क पल्स इतना मतलब काफ़ी है कि किसी भी पोकेमोन को डिफीट कर सके। गुड जॉब आक रहा है। ओके देखते हैं कि नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है इसका। ओके टेरियानिटार भाई, मेरे हिसाब से मुझे अपने ग्रेनिंजा को रिवाइव करना चाहिए। चलो हम RCS पे छोड़ते हैं। RCS मतलब
पोकेमोन का गॉड आ रहा है भाई, ये तो इसका तो हर मूव इफेक्टिव होना चाहिए, हर मूव भाई ये तो गॉड है ना, तो इसका जजमेंट पावर यूज़ करते हैं, जजमेंट करते हैं इसकी, और हम आराम से जीत जाएंगे भाई। ओके एक मिनट, आरसीएस पे काम नहीं करने वाला। ओके ये रहा जजमेंट, अब इसे पूरा मर जाएगा, जजमेंट कर देते हैं हम लोग। ये रहा मेरा जजमेंट ट्रिनिटार, तो पूरा जाओगे चिंता मत, तेरा गॉड है यार भाई, काहे का गॉड भाई यार, तूने उसको क्रिएट किया और तू उसको नॉट वेरी इफेक्टिव बोल रहा है, क्या फ़ायदा गॉड बनने का जब तुम खुद के क्रिएचर्स को डिफीट ना कर पाओ, बेकार है आरसीएस, छोड़ो यार इसको, क्या इसका क्या ज़रूरत है बताओ यार इस आरसीएस की हम लोगों को, कमाल है यार, मुझे लगा था कि आरसीएस मतलब गॉड मतलब मस्त चलेगा, पर ये तो मूड ख़राब कर दिया। ओ ये क्या जी रिंग मेगा रिंग, मैंने चेक ही नहीं किया भाई, टीएम केस पड़ा है यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट भाई यहाँ पे तो हमारे पास हर चीज़ पड़ी है, ओ भाई मैंने चेक भी नहीं किया एक बार भी यार, यहाँ पे स्टोन से लेके हमें मैक्स वो मिले हुए हैं, रिपेल्स वगैरह सब कुछ पड़ा है हमारे पास, अरे यार इतनी सारी आइटम बैग में फिट कैसे आई, जी मूव रिंग्स भी हैं यहाँ पे, मैंने चेक भी नहीं किया एक बार भी, मैंने बैग को ओपन भी नहीं किया, अरे यार जेम्स भी पड़े हैं यहाँ पे, मेगा एवोल्यूशन स्टोन भी हैं यहाँ पे, भाई साहब मैंने क्यों चेक नहीं किया बैग अपना, उस यार सोल ड्यू भी पड़ा है यार, रेड ओप भी पड़ा है, ब्लू ओप भी पड़ा है यार, ये हमारे कोग्रिक रोडॉन के लिए, मतलब थोड़ा गलत सीन हो गया यहाँ पे यार, रुको मैं गेम को बैक करूँगा क्योंकि बस फिर यार हमें पता लग चुका है कि क्या सीन है इस गेम का, और हम अब कोशिश करूँगा कि यार मैं कोई अच्छी टीम बना पाऊँ इस बार, मैंने ये टीम सोची तो अभी बनाई तो है, देखो कैसे लग रहे तुम लोगों को, अगर आप चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा सामने, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।